अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। जी मैंने सोचा क्यों ना जी आपके साथ ईद की शॉपिंग का व्लॉग शेयर किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि हम लंदन में कैसे ईद की शॉपिंग करते हैं, कहाँ पे हम जाते हैं। तो ये सोच के जी मैं निकल आई हूँ घर से और चलते हैं जी। अब मैं आप लोगों को विजिट कराने जा रही हूँ जी। लंदन की बहुत फेमस ये स्ट्रीट है, ग्रीन स्ट्रीट। एशियन कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जी हम निकले हैं घर से और हम बैठ गए हैं जी बस के अंदर और हम जा रहे हैं जी ग्रीन स्ट्रीट। पहले हम लोगों ने सोचा था वेस्ट फील्ड जाते हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि ज़रा ग्रीन स्ट्रीट का विज़िट करते हैं, ग्रीन स्ट्रीट में भी देखते हैं किस तरह ईद की वैरायटी आई हुई है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यूके के अलावा लंदन के अंदर जितनी भी एशियन कम्युनिटी है, वो जो अपनी ये एशियन शॉपिंग के लिए रुख करती है, वो यहाँ के तीन बहुत बड़े बाज़ार हैं, जगह हैं जहाँ से एशियन कम्युनिटी जो है अपनी शॉपिंग करती है, ईद की हो या आम डेज़ की हो। एक तो ग्रीन स्ट्रीट, जैसा कि मैं आप लोगों को विज़िट कराने जा रही हूँ, मैं सारा दिखाती हूँ। दूसरे नंबर पे जी यहाँ साउथ हॉल है, वहाँ की ब्रॉडवे स्ट्रीट बहुत फेमस है शॉपिंग के लिए। और उसके बाद जी ये देखिए हम आ गए हैं ग्रीन स्ट्रीट में, आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। और उसके अलावा जी इल्फर्ड लेन लंदन है, उसका भी मैंने काफ़ी दफ़ा विज़िट कराया, लेकिन मैं ईद का स्पेशल एक व्लॉग इल्फर्ड लेन का भी बना के दिखा दूँगी आप लोगों को। जी हम ये आ गए थे ग्रीन स्ट्रीट और आगे मैं आप लोगों को जी दिखाती हूँ ये ईद बाज़ार जो है ना, मेगा सेल, इसके अंदर मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। चलिए जी हम इसके अंदर एंटर हुए हैं, तो राइट साइड पे ये चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए थे। हर तरह की चूड़ियाँ थी, प्लेन थी, प्रिंट्स वाली थी, कलर्ड थी, हर तरह की आपको यहाँ से मल्टी कलर्स में मिलती। लेकिन उनका था जो प्लेन वाली है वो 5 पाउंड्स में आप 2 ले सकते हैं, ये उन्होंने बड़ा सा वहाँ पे लिख के मेंशन किया हुआ है। और ये काफ़ी सारे ड्रेसेस थे एशियन, डिफरेंट प्राइजेस थी इनकी। और ये किड्स के थे, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा शलवार कमीज के ज़्यादा लोग ये यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, ये स्पेशल परफ्यूम्स थे अल्कोहल के बगैर। और ये रिंग्स हैं, ये मेरी बेटी को बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। और ये इस तरह का ये जो ईद बाज़ार है ना, उसके अंदर था ये 20 पाउंड्स में जेंट्स की, किड्स की शलवारें कमीज़ें हैं। तो ये जो ईद बाज़ार है अब उसके अंदर जो है ना, ये स्पेसिफिक उन्होंने एक बाज़ार ग्रीन स्ट्रीट के अंदर है, उसके अंदर का मैं आपको विज़िट करा रही हूँ। अगर आप अभी भी जाएँ तो आप ये देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर विज़िट कर लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें। यहाँ से जी हम निकले हैं बाहर, अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ये जो है ग्रीन स्ट्रीट है, ये आपको आइडिया होगा, यहाँ पे सारी एशियन कम्युनिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, हर चीज़ मिलती है जी। ये ग्रीन स्ट्रीट लाइब्रेरी है और ये मार्क वन भी यहाँ पे काफ़ी फेमस दुकान है ग्रीन स्ट्रीट में। उसके बाद जी हम आगे आते हैं, मैं आप लोगों को ना अब आगे जाके दिखाती हूँ कुछ। ये काफ़ी बर्तनों की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, ये सुपर मार्केट है लिडल। और अब मैं आगे जा रही हूँ, मैं आप लोगों को आगे जाके विज़िट कराती हूँ। ये हवा काफ़ी तेज़ है आज, वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, सर्दी सी नहीं है। चलिए जी हम आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी हम उनजे चलते हैं। उनजे से हमने लेने हैं जी खुस्से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी हुई है किड्स के खुस्सों की भी, और ऑलरेडी इनके ऊपर प्राइजेस भी काफ़ी ऑफ है। तो मैंने भी अपना एक जूता लिया, बच्चों के खुस्से लिए यहाँ से, उनको बहुत शौक़ है। तो आप लोगों ने भी अगर ईद की शॉपिंग करनी है तो आप ज़रूर ये जो है ना विज़िट करें यहाँ का, स्पेशली खुशों के लिए, और बच्चों के खुशों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। तो एनीवे जी यहाँ से फिर हम निकले हैं बाहर, अब और आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने रियान की लेनी थी अपने बेटे की शलवार कमीज़, तो वो अब हम ढूंढते हैं। ये देखिए ग्रीन स्ट्रीट का मैं आप लोगों को एक दफ़ा व्यू दिखा दूँ। ये कोई 3 बजे का टाइम है दोपहर का ना, जब हम यहाँ पर पहुँचे थे। और ये देखें जी ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, हर तरह की ज्वेलरी थी, लोग ले रहे हैं मैचिंग कर करके, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में है यहाँ ग्रीन स्ट्रीट के अंदर कपड़े ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे ईस्ट में शॉपिंग मॉल भी है, उसका भी विज़िट कराती हूँ जाके। तो पहले मैं आप लोगों को ये जो बाहर शॉप से ये दिखा दूँ, और जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं कपड़ों के, चूड़ियों के, मेहंदी के, ये आप लोगों को विज़िट कराती हूँ। ये देखिए जी ये चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं जगह जगह पर ग्रीन स्ट्रीट में लगे हुए। आप लोगों को मैं बताऊँ, फील ही नहीं हो रहा कि हम मतलब अपने मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं लिबर्टी में आई हूँ और उस तरह की हम चीज़ें कर रही हूँ। कोई और बोल भी यहाँ पे सारे पंजाबी उर्दू ही रहे होते हैं, कोई बंदा नहीं मैंने देखा जो वहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि सारे यहाँ पे हैं ही एशियन ज़्यादातर। मुझे तो जितनी शॉप से भी गई हूँ पाकिस्तानी मिली, कुछ पे बंगाली थे। तो एनीवे जी यहाँ पे ये देखिए किस तरह की चूड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है चूड़ियों की, मेहंदी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ड्रेसेस में जी बहुत हैवी काम वाले भी हैं, लाइट भी हैं, लॉन में भी हैं, रेशमी भी हैं, शिफॉन, हर तरह की वैरायटी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे विज़िट करना है या कभी किया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था विज़िट करके। ये देखें ये भी वो स्टॉल मेहंदी हैं और वो सारा कुछ है, प्राइजेस भी आप देखें। और इवन एक दो स्टॉल्स पे तो 15 पाउंड 20 पाउंड में 3-3 पीस इन लोगों ने लगाए हुए हैं ड्रेसिस के, तो ठीक है। ये मेहंदी कुछ 1 पाउंड की हैं, कुछ 2 पाउंड की हैं, इनके भी डिफरेंट प्राइजेज हैं।
और ये देखिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग पहनते हैं, किड्स भी जेंट्स भी, मस्जिद में भी और ओवरऑल ईद पे भी। तो लेकिन मेरे बेटे को ये होता है कि ज़रा ओपन हो आगे से शलवार कमीज़ जो है ना, तो इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी शलवार कमीज़ के लिए। ज़रा मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था कि यहाँ पे किस साइड से मिलेगी, उसके लिए मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ रहा है। ओवरऑल ये अगर आप लोगों ने ख़रीदने हैं तो ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, 10 पाउंड से स्टार्ट हो जाती है हर जगह पर, बहुत ज़्यादा ये हैं जेंट्स के ना। चलें जब हम आगे चलते हैं, राधा साड़ी ये देखें जी, ये सारे बाहर भी हैं अंदर भी हैं शॉप के, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगर आप लोगों ने ईद के लिए सूट लेने हैं या ओवरऑल भी अगर आपने लेने हैं, और बहुत सारे यूके के अंदर लोग हैं जो अगर लंदन आते हैं और उन्होंने शॉपिंग करनी हो लंदन से, वो भी एशियन ड्रेसेस लेनी हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ वो शॉपिंग के लिए स्पेशली शादियों वगैरह की के लिए साउथ हॉल का विज़िट करते हैं, ग्रीन स्ट्रीट का करते हैं, इल्फर्ड लेन के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं उनका विज़िट करते हैं, पूरे यूके के अंदर से लोग आते हैं जी लंदन स्पेशली शादियों की शॉपिंग के लिए। ये जो तीन मैंने आप लोगों को बता रही हूँ स्ट्रीट्स है, ग्रीन स्ट्रीट, साउथ हॉल और इल्फर्ड लेन, तो ये इस तरह का ग्रीन स्ट्रीट में सीन चल रहा है जी ईद का ईद को लेके। ये देखिए जी, और यहाँ पे लेसिस भी मिल रही हैं, खुला कपड़ा भी मिल रहा है और हर तरह की है, जैसे लोगों ने लेके सिलवानी हो तो वो सिलवा भी सकते हैं। ये देखिए ये मज़े का है, ये 25 पाउंड्स का है, गर्ल्स का है। अनाया को ये फ्रॉक अच्छी लग रही है, कह रही है मामा ये दिखाओ। ये देखिए जी बाड़ा मार्केट, आप दुकानों के नाम चेक करें, राजा बाजार, बाड़ा मार्केट, ये तो खाना खजाना वो है ना रेस्टोरेंट। ये देखिए जी हम आए हैं रियान की, मुझे ये ज़रा अच्छा लगा, मैंने कहा चले मैं यहाँ जाके देखती हूँ रियान के लिए, लेकिन ये जो है ना मुझे लग रहा है थोड़ी वेडिंग वेयर टाइप शलवारें कमीज़ें हैं लड़कों की ना, थोड़ी फैंसी फैंसी लग रही हैं, इसमें कोई एक दो अच्छी है। एनीवे जी चलें अब मैं आप लोगों को ये इधर लेके चलती हूँ दामिनी मॉल, जो लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करते हैं उन्हें इन शॉप्स के नाम सारा कुछ पता होगा। ये ईस्ट जो है ना शॉपिंग मॉल, इसके अंदर चलते हैं मैं आप लोगों को लेके। और सच में यहाँ पे आके लग ही नहीं रहा कि हम मतलब अपने, मैंने जैसे आपको पहले कहा मुल्क से बाहर हैं, हर चीज़ आपको मिलती है, किसी तरह के भी आपने कपड़े लेने हैं शादियों के, किसी भी तरह के आपको हर चीज़ मिल जाती है, ग्रीन स्ट्रीट चले जाएं, साउथ हॉल चले जाएं, इल्फर्ड लेन मैंने आपको बताया वहाँ चले जाएं, तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ये शुक्र है अल्लाह का कि इतनी अपने मुल्क की कमी फ़ील नहीं होती यहाँ पर रह के भी, मस्जिदें भी पास है, सब कुछ यहाँ पे है, पता ही नहीं चलता जी हम कहीं बाहर हैं या हम लोग, यहाँ पे तरावियाँ भी होती हैं, क़ियामुल लैल भी होता है रमज़ान में, सब कुछ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते भी हैं, बल्कि मैंने नोट किया पाकिस्तान से ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे जाने का। चलें जी अब हम और आगे चलते, मैं आप लोगों को मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा दूँ। बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, मैंने आप लोगों को आइडिया देना था, अगर आप लंदन के बाहर से कहीं रहते हैं और मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आप लंदन आए और आपने शॉपिंग करनी हो तो आप ग्रीन स्ट्रीट को देख सकते हैं। ये देखिए राजा बाज़ार, बड़ा मार्केट, इतना मज़े मज़े के पाकिस्तान से की तरह के ना वो नाम है, ये राजा बाज़ार आई थिंक पिंडी में है, काफ़ी फेमस बाज़ार है उसका नाम है। तो ये देखें जी ये यहाँ पे चल रहा है सीन ईद को लेके, तो आप लोग इसका विज़िट करें ग्रीन स्ट्रीट का, अगर शॉपिंग करनी है आप लोगों ने कर ली है तो जी ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है, अगर आप लंदन में हैं तो कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं ईद की, और सारा कुछ है। वैसे तो वेस्ट फील्ड में भी खारडी भी है, वहाँ पर आगा नूर भी आई थिंक है, और भी जे डॉट को इल्फर्ड लेन पे भी है, और भी उसके अंदर भी वेस्ट फील्ड में भी है, तो इस तरह की जो ब्रांड्स है वो भी हैं, उससे हटके अगर आप लोगों ने थोड़ी मतलब लेनी है ब्रांड से थोड़े हटके तो वो ये मैंने आप लोगों को ग्रीन स्ट्रीट दिखाई है। यहाँ पे हर तरह के कपड़े हैं, हर तरह की वैरायटी है और हर तरह की रेंज में है, इवन थ्री पीस बहुत सारी शॉप ने लिख के लगाया 10 पाउंड के अंदर आपको थ्री पीस सूट मिल रहा है, शर्ट दुपट्टा और वो। तो होप सो जी जो मेरा आज का व्लॉग है आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों ने बीच की शॉपिंग नहीं करनी और आप लंदन के अंदर हैं और आप सोच रहे हैं कि हम ग्रीन स्ट्रीट जाएं, इल्फर्ड लेन जाएं या साउथ हॉल जाएं, तो आप देख लें ग्रीन स्ट्रीट में इस तरह की ईद की वैरायटी आई हुई है। और ये ईद बाज़ार मेगा सेल जो एक है उन्होंने स्पेशल बाज़ार सा बनाया हुआ, इसके अंदर भी क्या है मैंने आप लोगों को वो भी दिखा दिया, तो आप इसका ज़रूर विज़िट करें। चले जी अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट इल्फर्ड लेन का दिखाती हूँ ईद का, वहाँ पर क्या चल रहा है उस व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल